दो खुशखबरियां तो डेफिनेटली बहुत खुश हूँ मैं। ये प्ले हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत ही खूबसूरत बनाया है ये प्ले, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है ऑडियंस ये देखेगी। हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसे ऑल ओवर वर्ल्ड लेके जाएंगे। और अभी से इतनी इंक्वायरीज हैं, मैंने जब से ये अनाउंसमेंट आई है तो लोग मुझे लगता है बहुत पसंद करेंगे, जैसे कि हमारे कॉमेडी राइटर्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसी तरह ये शो भी। शायद ये असल में एक राजकुमारी की कहानी है, उसका नाम है चटपती, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट राजा आएंगे और उसका स्वयंवर होता है और उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट और मतलब फनी है। आउट एंड आउट ये कॉमेडी प्ले है। इसमें दिखाएंगे कि विक्रम और बेताल कहानी सुना रहे हैं एक चटपटी की, और फिर उसका ये जन्म जब वो सलमान खान शाहरुख खान और उनके पीछे पड़ी हुई है वो, और उसके बाद फिर हम लोग ऑडियंस इंटरेक्शन भी करेंगे। मतलब वो तीन जन्म तकरीबन उसके, वो बोलते हैं कि वो पहले भी वैसी थी, उसके बाद भी ऐसी हुई और अभी तक ऐसी है। सबसे बड़ी बात तो मैं सबसे पहले उपासना जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, बल बहुत पहले कर देना चाहिए था लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत ही मेहनती एक्ट्रेस है। अभी फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ एनटीवी के एक शो में, और इनके प्रोडक्शन में भी एक शो बन रहा है उसमें भी मैं हूँ। इनके साथ काम करना एक मज़ा अलग है। बहुत इंस्पायरिंग लेडी हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और ये बच्चे को अथर्व को मैं मुबारकबाद देता हूँ सालगिरह की। बहुत बहुत मेरे बेटे का आज बर्थडे है, मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने बेटी के बर्थडे पे अपना मोबाइल लॉन्च किया और बेटे के बर्थडे पे मैं अपना ये शो लॉन्च कर रहा हूँ चटपटी बुआ का स्वयंवर। और चटपटी बुआ को तो आप जानते हो कपिल के शो से कि वो कितनी चटपटी हैं और क्या हैं, तो मेरे को बेहद खुशी है कि मैं अपने बेटे के बर्थडे के साथ साथ अपना पहला शो जो है मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ आज के दिन। नहीं, ये वो स्वयंवर नहीं है। स्वयंवर के शो अभी तक जो भी आते थे या तो खुद लोग शादी करते थे या कोई ऐसा है, ये शो सबसे अलग और डिफरेंट है। इसमें तो सिर्फ हम दर्शकों के साथ अपने एक हास्य की चीज़ों को रखेंगे और उनका जो है साथ में मनोरंजन करेंगे। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि उपासना हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, उपासना सिंह, जिसको चटपटी बुआ के रूप में आप जानते हैं, उनका एक ये प्ले आ रहा है, तो उनको मैं दिल से मुबारकबाद दूंगा। मेरी 20-22 साल पुरानी दोस्त हैं और वो उनकी तरक्की मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जब पुराने दोस्तों को आप देखें तो आज ये प्ले लेके आ रहे हैं, तो चटपटी बुआ नाम का ये प्ले आएगा, आपके शहर में भी आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा, और ये इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रही हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं और मैं उनको पर्सनली विश करने आया हूँ एक दोस्त के रूप में, शी इज़ माई फ्रेंड। लेकिन उन्होंने आपको कपिल नाइट शो में इतना कॉमेडी विद कपिल में इतना इन्जॉयमेंट किया, नाउ एक प्ले लेके आ रही हैं, तो आप लोग ज़रूर उनको आशीर्वाद दीजिएगा और ये प्ले सब लोग जाके ज़रूर देखें। हाँ, CCL में मैं हमेशा खेलता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड बॉलर हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे इंजरी हुई है। मैं एक तेलुगु फिल्म में एक जीप मुझ पर गिर गई थी तो 5-6 हड्डियाँ टूट गई थी मेरे शरीर की। मैं एक महीने में फिर आपके सामने खड़ा हो गया हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। ये पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, अभी भी एक कॉलर बोन मेरा अभी जुड़ा नहीं है, बाकी सारी हड्डियाँ जुड़ गई हैं, तो मैं खेलूँगा नहीं। लेकिन कल मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, कल हम लोगों का परसों पहला मैच है, चूँकि मैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी टीम को प्रमोट कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली मैं चाहूँगा आप लोग आशीर्वाद दें और सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं बैंगलोर ज़रूर आएँ और हमारी टीम को प्रोत्साहन दें, CCL को प्रोत्साहन दें कि सारे स्टार्स उसमें खेल रहे हैं।